आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। लगातार अपराध करने पर गघा थाने के अपराधी राज सिंह उर्फ युवराज सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी ने NSA रासुका की कार्रवाई। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। माफिया राजन तिवारी की न्यायालय ने सोमवार को जमानत अर्जी की खारिज। 15 दिन पहले गोरखपुर कैंट पुलिस ने बिहार रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया था पेश। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा था जेल। न्यायालय ने माफिया राजन तिवारी के अपराधों के फहरिस्तों को देखते हुए जमानत अर्जी की खारिज। नौकेन पर घूमने जाने वाले चारपहिया वाहन चालक अब अपने वाहन को सर्किट हाउस के बाहर करेंगे पार्किंग। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक नौकेन क्षेत्र में दोपहिया व चारपहिया वाहन का प्रवेश रहेगा वर्जित। SP सिटी ने दी जानकारी। खेती की जरूरतों में संबल बनी PM किसान सम्मान निधि। गोरखपुर में अब तक मिल चुकी है 940 करोड़ रुपए की सहायता राशि। नई व्यवस्था के तहत बुधवार तक KYC कराने का है मौका। अमर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, MLC CP चंद, पूर्व विधायक शीतल पांडे सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में चल रहे सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का बुधवार को होगा समापन। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे शामिल। विद्यार्थियों को देंगे अपना मार्गदर्शन। भारतीय गोरखा संगठन के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का किया गया आयोजन। गोरखा महिलाओं ने भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर पति के लंबी उम्र की कामना। गोरखनाथ मंदिर के बाहर नाले के ऊपर लगे ठेले वालों के ऊपर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने चलाया अपना हंटर। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा, जल्द से जल्द हटाएं अपना अतिक्रमण। और हरितालिका तीज के पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग के लंबे आयु के लिए रखा निर्जला व्रत की पूजा अर्चना। कहा, तीज व्रत करने से सौभाग्य व सुख समृद्धि की भी होती है प्राप्ति।